हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, उसमें मैंने पालक भी मिला ली थी काट के, और आप चाहो तो बॉईल करके भी पालक मिला सकते हैं। और प्याज और हरी मिर्च डाल दी है और मैं पानी से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ बना रही हूँ चीला पालक के, और वाकई में बहुत अच्छे टेस्टी लग रहे थे। मेरे हस्बैंड वैसे तो खाते नहीं हैं, लेकिन पालक डाल दी थी तो उनको टेस्ट लग रहा था। और यहाँ पे नमक डाल दूँगी मैं स्वाद के अनुसार, आधी चम्मच ही डाला था मैंने नमक, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और यहाँ हींग डाल दूँगी मैं, दो चुटकी हींग डाल दूँगी। और थोड़ा थोड़ा पानी करके ही मिक्स करना। और अब मैं बना लूँगी चीला। और यहाँ पे बेटा बोर्ड के पास खड़ा है मशीन ऑन करने के लिए, क्योंकि और इसके पापा नहा रहे हैं, ऑफिस से आए हुए थे। तो मैं यहाँ पे चीला और चाय बना रही हूँ नाश्ता के लिए शाम की। और ये देखिए इतना पेस्ट बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो मोटा मोटा बनेगा, हल्का पतला ही बनाना है जिससे आसानी से बन जाए। और पतले चीला तो बहुत अच्छे लगते हैं। फैला देना अच्छे से, और मैं ऐसे ही फैला दूँगी, अपने आप ही फैल जाते हैं वो, क्योंकि मैं तिरछा कर देती हूँ तवा को, तो मैं अपने आप ही हो जाते हैं। थोड़ा बहुत रहता है तो फिर चम्मच से कर देती हूँ, और आप चम्मच से कर लें आराम से। और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहे थे। और इस कलछुली की सहायता से ही पलटें, बहुत आसानी से पलट जाते हैं। और थोड़ा सिकने दूंगी, फिर मैं इसको पलट दूंगी। और ये देखिए कितने आराम से निकल आए हैं, बहुत आसानी से पलट जाता है। और ऐसे मुझे आलस लगता है तो मैं ऐसी तवा को तिरछा कर देती हूँ, तो वो आराम से ही फैल जाते हैं। देखिए आप खुद कितने आराम से फैल रहा है। और अच्छे से गोलाई से फैला लूँगी, और थोड़ा बहुत रह जाएगा तो मैं चम्मच से फिर कर दूँगी। और यहाँ पे बेटा मेरा खेलने लगा है। और अब इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे, अभी पका नहीं है, पक जाएगा तो वो अपने आप धीरे धीरे निकल आएगा। सिक जाता है तो अपने आप ही निकलने लगता है। और ये देखिए कितने आराम से निकल आया है, अच्छा पतला बना हुआ है। और यहाँ पे चाय गरम कर लूँगी, और यहाँ पे चाय गरम कर लूँगी, क्योंकि मेरी चाय तो बन चुकी है, बस चाय और गरम कर लूँगी। और मेरे चीला भी कंप्लीट हो गए हैं, बन गए हैं। और ये देखिए हस्बैंड आ गए हैं नहा के। क्या क्या बन गया चीला? हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज हमारी मैडम ने चीला बनाया हुआ है, और चीले के साथ चाय भी बनाई गई है। चाय और चीला का ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी खा करके देखते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा लगता है इसी समय। पापा ये बोलना था, और वहाँ पे मैं अपने हाथ धो रही हूँ। सर्व किया जाए, हेलो प्लीज किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, और ये देखिए वो अपने आप ही आ जाते हैं, हम नहीं कहते हैं, फोर्स नहीं करते हैं, जब आना होता है आ जाते हैं वो कैमरा के सामने। और बस मेरी चीला सारे बन गए हैं।
और मैं किचन साफ़ कर लूँगी, फिर मैं खा लूँगी हम सब मिलके। और चाय भी बन गई है, चाय भी गर्म हो रही है, और अब मैं चाय निकाल लूँगी। और मेरे पास पालक थोड़ी कम थी इसलिए कम दिख रही है। और बस मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। और ये देखिए, और आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और एक बार ज़रूर आप पालक की चीला बनाकर ज़रूर देखना, बहुत अच्छे लगते हैं। आप काट के भी डाल सकते हैं, बॉयल करके भी डाल सकते हैं पालक को। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।